बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, हमेशा बहारों के साए में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज हम सरदा चावल बनाने लगे हैं, मीठे चावल, येलो चावल, जिसे बनाना नहायत ही आसान है। हमने ढाई गिलास चावल गीले किए हुए हैं, ये वाला गिलास है, ये ढाई गिलास चावल हमने गीले किए हुए हैं। ये पानी हमने रख दिया उबलने के लिए। इसमें हम एक टीस्पून येलो कलर डालेंगे, खाने वाला कलर है ये, और ये कुछ कुछ मेवा याद रखे हुए हैं, ये हमने पानी में गीले किए हुए हैं। अब ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। पानी को उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने तकरीबन एक घंटा पहले गीले किए हैं, ढाई गिलास चावल। ये देखें पानी को उबाल आ रहे हैं, अब हम चावल शामिल कर देते हैं। चावल हमने शामिल कर दिए हैं, देखें चार से पाँच मिनट लगेंगे, चावल हमारे 90% तक कुक हो जाएंगे, फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे छलनी की मदद से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमने इसको 90% तक करना था। ये देख रहे हैं चावल मैंने निकाल के उसी बर्तन में मैंने एक डोई भर के घी की डाल दी है। चावल घी में ही अच्छे बनते हैं। अब हम ये दो से तीन अदद इलायचियाँ डाल देंगे, इनको थोड़ा कर करा लेंगे। और ये हमने दो गिलास भर के हमने चीनी के रखे हुए हैं, ढाई गिलास हमारे चावल थे, दो गिलास चीनी है, नॉर्मल चीनी, नॉर्मल मीठा। घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम ये चीनी डाल देंगे और ये एक कप दूध डाल देते हैं। चाशनी तैयार हो चुकी है, अब हम चावल डाल के इसमें 10 से 15 मिनट दम लगा देंगे। ये देख लें और ये चावल, ये चावल हमने शामिल कर दिया, हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम दम दे देंगे पूरे 15 मिनट दम वाली आंच पे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आया, खिला खिला माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखे कैसे खिले खिले माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चावल तैयार हुए हैं।